जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां कहीं भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती है कि आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए घुसपैठ का प्रयास करते हैं, लेकिन बीएसएफ के सतर्क जवान हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों की हर एक नापाक कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देते। नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं द पब्लिश मिरर। आज की ये जो खबर है ये बीएसएफ को लेकर है और सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज जो है स्पेशल डीजी बीएसएफ के वो पहुंचे हैं, उनको लेकर है। स्पेशल डीजी बीएसएफ जो कि सिक्योरिटी सिचुएशन यानी सिक्योरिटी रिव्यू के लिए 2 दिवस से जो है वो दौरे पर पहुंचे हैं और उनके साथ तमाम जितने भी बीएसएफ के अधिकारी या और जितने भी अधिकारी हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के वो शामिल हुए और उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स का दौरा किया। ये जो मीटिंग यानी ये जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग थी, ये खास तौर पर जम्मू डिवीज़न के अंदर बढ़ता आतंकवाद और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ आतंकी सरगना जो नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न के अंदर आतंकवाद को रिवाइव कर तेजी से वहां पर भारी नुकसान किया जा सके। हालांकि इससे पहले कई बैठकें हुई हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हों, इवन इंडियन आर्मी के जो बड़े अधिकारी सेना अध्यक्ष जो खुद यहाँ पर पहुँचे थे, कई मीटिंग्स जो हैं उन्होंने बढ़ते आतंकवाद को लेकर की हैं और नई स्ट्रेटजी जो नई रणनीति आतंकवाद को ख़त्म करने की है वो बनाई जा रही है। ऐसे में कई खबरें निकल कर सामने आई, मीडिया रिपोर्ट्स या फिर सोर्सेज की बात करें कि इंटरनेशनल बॉर्डर से आतंकवादी घुसपैठ का प्रयास करते हैं। जैसे कि कल आपको याद होगा कि कल बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में एक घुसपैठिए को मार गिराया, जिसकी जानकारी आईजी बीएसएफ ने बड़ी डिटेल में पत्रकारों के साथ साझा की कि हमारे अलर्ट जवानों ने उसे चैलेंज किया। जब वो चैलेंज करने के बाद वो आगे पीछे भागना शुरू हो गया तो फिर फायरिंग करके उसे ढेर कर दिया गया। और उन्होंने एक सख्त निर्देश भी दिए हैं कि भारत की सीमा में जो कोई प्रवेश करने का प्रयास करेगा पाकिस्तान से तो उसका अंजाम यही होगा। आज ये जो स्पेशल डीजी थे, मैं इनका नाम भी मेंशन करूंगा, इनका नाम जो है वाई बी खुरेनिया और इनके साथ आईजी बीएसएफ वो भी साथ में मौजूद रहे। और इसके साथ बैठक जो उन्होंने समीक्षा बैठक जो की कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर किस तरीके से सतर्कता और ज़्यादा बढ़ाई जाए और अपनी तमाम जो उनकी डिस्कस हुई बड़े अधिकारियों के साथ तो उसको लेकर उन्होंने जानकारियां जो है वो दी। और साथ में वो उन बहादुर देश की आन बान शान जो सैनिक हमेशा दिन रात बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की और उन्हें अपने कर्तव्य को निभाने को जोर दिया। यानी उन्हें यह कहा गया कि आपको अपना दायित्व, अपना कर्तव्य देश की सुरक्षा में कैसे निभाना है, वो उन्हें एनकरेज किया और उनको उनका मोटिवेट यानी उनका उत्साह बढ़ाया। आज जम्मू डिवीजन के अंदर कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आतंकवाद चरम पर है। अगर हम रजौरी पुंछ की बात करें तो नियंत्रण वहां से भी कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो बटल का इलाका हो, वहां पर सेना के एक जवान शहीद हुए थे जैसे आपको याद होगा, वहां भी एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उसके बाद संदिग्ध देखे गए, उन संदिग्धों को लेकर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जो कि 2-3 दिन पहले एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई थी कि एक हिजबुल मुजाहिदीन का जो ओजीडब्ल्यू था, मोहम्मद खलील नाम का, जो कि बांडीपुरा कश्मीर का रहने वाला है, उसे एक ऑपरेशन के तहत पुंछ में सुरक्षा बलों ने दबोचा। यानी राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगनाड़ इलाके से उसे दबोचा, उससे कारतूस, पिस्टल और पाकिस्तानी एक्टिव जो उसके पास नंबर थे कि वो अपने आकाओं के साथ यानी हैंडलर्स के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ था और किस तरीके से उसे टास्क दिए जा रहे थे कि ये एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। समय रहते हुए जो सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिले थे उन इनपुट्स के आधार पर उसे जो है दर्द पहुंचा गया। इसके साथ रजौरी की बात करें तो रजौरी के अंदर भी कई आतंकवादी गतिविधियां जो है वो देखने को मिली हैं और उन पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बल जो है वो डिफरेंट एरियाज में तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसके बाद रियासी की बात करें या फिर रियासी के बाद
डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, चनाब वैली, साउथ पीर पंजाल का इलाका, इंटरनेशनल बॉर्डर यानी सांबा, कठुआ, ये तमाम जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं यहाँ पर एक हाई अलर्ट जो है वो दिया गया है। साथ में जो है एक खबर तो ये भी निकल कर सामने आई थी कि जो पठानकोट में भी कुछ संदिग्ध देखे गए थे, जहाँ कहीं से भी आतंकवादी या आतंकवादियों के समर्थक जहाँ भी मिल रहे हैं, सुरक्षा बल उन पर कड़ा प्रहार, उन आतंकवादियों की जो है वो धरपकड़ के लिए उन्हें मार गिराने में, या फिर जो लोग मनवस है, जो लोग इस आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो लोग मददगार हैं, उन पर भी कड़ा प्रहार जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है। ये जो स्पेशल डीजी आज यहाँ पर पहुँचे इंटरनेशनल बॉर्डर, उन्होंने तमाम अपने जितने भी अधिकारी थे उनके साथ जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू एक बैठक की, उसमें कई जो है वो सुरक्षा को लेकर या बढ़ते आतंकवाद को लेकर जो है उन्होंने कई जो है वो अपनी अपने व्यूज़ रखे या और बताया कि स्ट्रेटजी के किस तरीके से हमें और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, या और तरह की अपनी जो है उन्होंने सारी बातचीत की। और इसके साथ तमाम आईजीपी यानी जो आईजी जम्मू थे बीएसएफ के और आईजी कश्मीर, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि दो दिन का इनका दौरा है और ये तमाम बॉर्डर के एरियाज का जो है वो करेंगे, क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको ये आज की ये खबर बता रहे हैं। और नियंत्रण मतलब कि ये जो प्रयास है सुरक्षा बलों का, चाहे बीएसएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, स्पेशल फोर्सेज या तमाम सुरक्षा एजेंसियां, वो आतंकवाद जो बढ़ता आतंकवाद जम्मू डिवीजन के अंदर दोबारा से रिवाइव हुआ है, इसको जड़ से खत्म करने का नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और कोशिश करेंगे कि डेली लगभग 6 बजे के करीब द पब्लिश के माध्यम से आप एक लाइव सेशन में जो है हमारे साथ जुड़े और हम आपको इस तरीके की खबरें जो है वो जरूर साझा करवाएंगे। नमस्कार, मेरे सहयोगी अरुण के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ।